हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स की वैकेंसी रिलीज़ हुई थी, उसका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। सो दोस्तों, उसकी स्टडी आपने कंटिन्यू नहीं की तो स्टडी कंटिन्यू कर दे। सो दोस्तों, उसके लिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट की है, उसके लिए हम बैक टू बैक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानकारी देने वाले कि जो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, उसके वीडियो के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आप वहाँ से ओल्ड क्वेश्चन पेपर के वीडियो भी देख सकते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इन फॉलोइंग विच इज किल्ड वैक्सीन। ठीक है, इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो किल्ड वैक्सीन है? ठीक है, ओपीवी, बीसीजी, रूबेला या फिर रेबीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है रेबीज। इज करेक्ट आंसर। रेबीज से वैक्सीन होती है वो कौन सी होती है? किल्ड वैक्सीन, जबकि बीसीजी, ओपीवी और रूबेला ये लाइव वैक्सीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए लाइव एटेनेट वैक्सीन। ठीक है, इसमें से कौन सी लाइव एटेनेट वैक्सीन नहीं है? ठीक है, हेपेटाइटिस बी, मिसल्स या फिर बीसीजी या फिर इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है हेपेटाइटिस बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ किल्ड वैक्सीन। ठीक है, अब इसमें से कौन सी वैक्सीन है जो किल्ड वैक्सीन नहीं है? ठीक है, पैटूसिस नहीं है, कोलेरा, एमएमआर वैक्सीन या फिर सॉल्क पोलियो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कोलेरा इज करेक्ट आंसर है, यह किल्ड वैक्सीन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, इंडिया में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? ठीक है, तो 1974 में या फिर 1978 में या फिर 1985 में या फिर 1990 में। ठीक है, 1990। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1978 इज करेक्ट आंसर। 1978 में जो इम्यूनाइजेशन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हुआ इंडिया में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है पेंटाफाइव। ठीक है, जो पेंटाफाइव वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। ठीक है, जो पेंटाफाइव वैक्सीन है वो किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन? ठीक है, तो ऑप्शन दिया डिफ्थीरिया, पैटूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा या फिर पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, डिफ्थीरिया, पैटूसिस, टिटनेस या फिर मिसल्स, मम्स, रूबेला, टीबी, पोलियो या फिर डिफ्थीरिया, पैटूसिस, टिटनेस, मिसल्स, पोलियो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है डिफ्थीरिया, पैटूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमेप्राजोल इज अ ड्रग। ठीक है, जो ओमेप्राजोल ड्रग है वो कौन सा है? एंटासिड है या फिर प्रोटॉन पंप इनिबिटर या फिर एच टू ब्लॉकर या फिर नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है प्रोटॉन पंप इनिबिटर इज करेक्ट आंसर। यानी जो ओमेप्राजोल ड्रग है वो प्रोटॉन पंप इनिबिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग चॉइस ऑफ जिलीजेन एलिक्सन सिंड्रोम। ठीक है, जो जिलीजेन एलिक्सन सिंड्रोम है उसके लिए कौन सा ड्रग चॉइस फिलिंग होता है? तो इसमें ओमेप्राजोल, रेनिटेडिन या फिर पेंटाप्राजोल या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ओमेप्राजोल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग गिवन फॉर बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग। ठीक है, जो कौन सा ड्रग है जो बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है ग्लूकागोन, ठीक है, प्राजोसिन, लिग्नोकेन या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ग्लूकागेन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिटिडिन एंड रेंटाक एस। ठीक है, जो रेनिटिडिन है वो कौन सा एच टू रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है, या फिर एंटासिड या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या फिर एंटी कोगुलेंट ड्रग। ठीक है, इसका एच टू ब्लॉकर इज करेक्ट आंसर होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग विच इनिबिट प्रोटीन सेंथिसाइज। ठीक है, जो कौन सा ड्रग होता है जो इनिबिट करता है प्रोटीन सेंथिसाइज में? ठीक है, तो ऑप्शन है एसाइक्लोवेयर या फिर एरेथ्रोमाइसिन या फिर मेट्रेंडाजोल या फिर जुडोवुडेन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला एरेथ्रोमाइसिन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वुंड वॉर्म इन्फेक्शन। ठीक है, जो वुंड वॉर्म इन्फेक्शन होता है उसमें कौन सा ड्रग का उपयोग किया जाता है? ठीक है, मेट्रेंडाजोल, ओप्लोप्लोक्सिन, मेबेंडाजोल या फिर फ्लूकोनाजोल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है फ्लूकोनाजोल इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्रोप्लोक्सिन हैव बैक्टीरियल एक्शन इज एक्ट बाय इनिबिट। ठीक है, जो सिप्रोप्लोक्सिन होता है जो
बैक्टीरियल एक्ट को इनहिबिट करता है, ठीक है, डीएनए गायरेस या फिर प्रोटीन सिंथेसाइज या फिर आरएनए सिंथेसिस या फिर सेल वॉल सिंथेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है डीएनए गायरेस इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग विच इनहिबिट द बैक्टीरियल डीएनए गायरेस एंड किल्ड द बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऑप्शन है डॉक्सीसाइक्लिन, ओप्रोप्लोक्सिन, एरिथ्रोमाइसिन और हिमाइसिन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ओप्रोप्लोक्सिन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग विच इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस एक्सेप्ट, ठीक है, जो सेल वॉल सिंथेसिस होता है एक्सेप्ट किसको छोड़ो, ठीक, पेनिसिलिन, नॉर्फ्लोक्सिन, सेफालोस्पोरिन या फिर साइक्लोस्पोरिन। तो इसका करेक्ट आंसर नॉर्फ्लोक्सिन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग यूज टू रिलीव पेन आर, ठीक है, जो कौन से ड्रग से रिलीव होता है पेन, ठीक है। तो एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक या फिर एंटीपायरेटिक, ठीक है, एंटीपायरेटिक, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है एनाल्जेसिक इज करेक्ट आंसर। जो एनाल्जेसिक ड्रग्स होता है वो कौन सा होता है ड्रग्स, एंटी पेन रिलीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग विच हेल्प इन रिड्यूस फीवर आर, ठीक है, जो कौन से ड्रग होते हैं जो फीवर को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दिया एनाल्जेसिक या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी या फिर एंटीपायरेटिक्स या फिर एंटी सेप्टिक, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है एंटीपायरेटिक इज करेक्ट आंसर, ठीक है, जो फीवर को रिड्यूस करते हैं वो एंटीपायरेटिक ड्रग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच एनाल्जेसिक इज गिवन ओल्ड एज, ठीक है, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उसमें कौन से एनाल्जेसिक दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी एनाल्जेसिक ड्रग्स के नाम दिए गए हैं, लेकिन जो ओल्ड पर्सन होता है उसमें कौन सा एनाल्जेसिक दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया एस्पिरिन या फिर आइबुप्रोफिन या फिर डाइक्लोफेनिक सोडियम या फिर मॉर्फिन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला डाइक्लोफेनिक सोडियम, ठीक है, जो डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है यह ड्रग एनाल्जेसिक ड्रग होता है, यह ओल्ड पर्सन में दिया जाता है, ओल्ड एज वाले पर्सन को यह ड्रग दिया जाता है। सो दोस्तों आज का पार्ट यही समाप्त होता है। यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। साथ ही दोस्तों यदि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो स्टाफ नर्स की जो सीरीज़ है उसके वीडियो नहीं देखें तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं और ओल्ड क्वेश्चन पेपर के वीडियो भी वहां पर दिए हुए हैं। सो दोस्तों अब किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।